हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, पर आज हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, कैलकुलेट द डिसिपेशन इन पावर अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर फॉर द FM सिग्नल। हमें FM सिग्नल के लिए 20 ओम रजिस्टर में बिजली का अपव्यय की गणना करें। तो हमें क्या करना है कि पावर डिसिपेशन निकालना है किसके अंदर, 20 ओम रेजिस्टर के अंदर, किसका, FM सिग्नल के लिए। तो हमें FM सिग्नल दे रखा VT इज इक्वल टू 20 cos 6600 t प्लस 10 sin 2100 t। तो इसमें क्या है, चार ऑप्शन दिए, 5 वाट, 20 वाट, 10 वाट और 400 वाट। तो देखो हमारे पास सबसे पहला सॉल्यूशन सामने है। तो क्या है कि हमें सबसे पहले क्या लिखनी है, स्टैंडर्ड वेब फॉर्म लिखनी है, स्टर्म फॉर्म लिखनी है किसकी, FM की। चाहो तो ये हमारे वीडियो पे देख सकते हो जिसमें मैंने FM की ये स्टैंडर्ड फॉर्म को समझाया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको क्या करना है, देखना है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे मेरी ये VT इज इक्वल टू cos 2πfct प्लस kF 2πfmt। देखो इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ साफ साफ कर दिया है। सबसे पहले मैंने बताया AC, जो ये AC है, AC क्या है मेरा, AC है मेरा कैरियर एम्पलीट्यूड, भाग आयाम। और FC क्या है मेरा, कैरियर फ्रिक्वेंसी। ये मेरी FC हुई, तो FC मेरी कैरियर फ्रिक्वेंसी होगी। ये मेरा AC हुआ, तो AC मेरा क्या हो गया, कैरियर एम्पलीट्यूड। इसके बाद है KF, KF मेरा क्या है, मॉडुलेशन इंडेक्स। FM क्या है मेरा, मॉडुलेशन फ्रीक्वेंसी। तो मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है, जिस मैसेज सिग्नल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, FM में, तो वो हो गई मेरी क्या है, मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। मॉडुलेशन इंडेक्स, मॉडुलेशन इंडेक्स को मैंने KF से डिनोट किया, कई जगह पर मैंने इन्हीं क्वेश्चनों में MF से भी किया है, म्यू से भी किया है। तो आपको उस चीज़ से नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि उसकी जगह कहाँ है। अगर इस जगह पर KF की जगह पर मैं अगर म्यू लिख दूँ या मैं इसकी जगह पर MF लिख दूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं है, रहेगा ये क्या, मॉडुलेशन इंडेक्स ही। तो जो KF है, मॉडुलेशन इंडेक्स है, उसको बस ये याद रखना है, वो है क्या, फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। जो KF की वैल्यू है वो क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये हमारा KF होता है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है मेरा, डेल एफ अपॉन एफ एम। ये याद रखना है, KF हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। तो द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर, जब भी हम पावर डिसिपेशन निकालने होते हैं तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला B² RMS/R। तो अब B² RMS/R, तो B RMS क्या है मेरा, देखो मेरी जो ये वैल्यू दे रखी है क्या, 20, ये मेरी BRMS की वैल्यू नहीं है, पर जो हमको BAC दे रखी है, ये AC है। तो AC को जब हम RMS में करते हैं तो वो लिखते हैं हम Vm/√2। तो ये यहाँ पे मेरा क्या है, AC, तो भाई AC/√2, तो AC/√2 का स्क्वायर। तो AC क्या है मेरा, 20 अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन R। R की वैल्यू मुझे 20 दे रखी है, तो क्या हो गया मेरा, ये BRMS 20 अपॉन √2 स्क्वायर हो गया मेरा 400 अपॉन, ये हो जाएगा मेरा 400 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 अपॉन रूट टू का स्क्वायर कितना है, 2। तो ये कितना हो गया मेरा, 2। तो अगर इससे हम काटते हैं इसे, तो इससे मेरी वैल्यू हो जाएगी 200, 2 से कट गया ये 200, और 200 अपॉन आर मतलब आर कितना है, 20। तो ये हो जाएगा मेरा 20 अपॉन 200 अपॉन 20 मतलब 10 वॉट अपॉन 20। तो ये हो जाएगी मेरी कितनी, इससे जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगी मेरी 10। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितनी आ गई हमारी, 10 वॉट। तो पावर डिसिपेशन आ गई मेरी 20 ओम रेजिस्टर के अंदर कितनी आ गई, 10 वॉट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, FM सिग्नल इज बेटर देन AM सिग्नल बिकॉज। मेरा पूरा वीडियो बना रखा है इसके बारे में कि जो FM सिग्नल है वो AM सिग्नल से बेटर क्यों है। मैंने 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से, तो उन पॉइंट्स को देखोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहला, लेस इम्यून टू नॉइज, मतलब शोर की कम प्रतिरक्षा, लेस इम्यून टू द नॉइज, बिल्कुल सही बात है।
वो हमारे शोर क्या नाम है नॉइज़ के लिए लेस इम्यून होता है, मतलब कि जो नॉइज़ है वो इजीली इफेक्टेड करती है एएम सिग्नल में बजाय एफएम सिग्नल में, तो एफएम सिग्नल में नॉइज़ इजीली इफेक्टेड नहीं होती है, पहले पॉइंट का मतलब। दूसरा पॉइंट कहता है लेस एडजेसेंट चैनल इंटरफेस, कम आसन्न चैनल हस्तक्षेप, जो इसके अंदर हमारा एफएम सिग्नल के अंदर बेटर क्यों है, क्योंकि जो एडजेसेंट चैनल है लेस एडजेसेंट चैनल इंटरफेस होता है। पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ते हैं हम, एम्पलीट्यूड लिमिटर आर यूज टू अवॉइड एम्पलीट्यूड वेरिएशंस, तो एम्पलीट्यूड लिमिटर बिल्कुल यूज करते हैं इसमें हम, मैंने उसमें बताया था कि एएम में यूज नहीं करते, इसमें यूज करते हैं किस लिए, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए। तो हमारा जो आंसर आ गया वो एफएम सिग्नल क्यों बेटर है, ऑल ऑफ अबोव, सबकी सब हमारे पॉइंट सही है। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, एफएम सिग्नल इज बेटर देन एएम सिग्नल बिकॉज एफएम सिग्नल आर लेस इम्यून टू द नॉइज, गार्ड बैंड्स आर प्रोवाइडेड, हम इसमें गया यूज करते हैं गार्ड बैंड्स, आगे मैं इस पर भी क्वेश्चन करूंगा, गार्ड बैंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर द लेस एडजेसेंट चैनल इंटरफेस, सो इट इज ईजी टू रिकवर, तो हमें ये ईजी होता था रिकवर करना, गार्ड्स बैंड्स को हम प्रोवाइडेड करते हैं चैनल में। एम्पलीट्यूड लिमिटर आर यूज टू अवॉइड एम्पलीट्यूड वेरिएशन दैट आर कॉज्ड वाइल ट्रांसमिशन ड्यू टू द नॉइज, अगर इसी को हम हिंदी में अगर कन्वर्ट करके लिखा है, एफएम सिग्नल एएम सिग्नल से बेहतर है क्योंकि एफएम सिग्नल शोर के लिए कम प्रतिरक्षा है, मतलब लेस इम्यून है। आसन चैनल में हस्तक्षेप के लिए गार्ड बैंड प्रदान किए जाते हैं ताकि इसे पुनः प्राप्त करना आसान हो, तो हम हमेशा क्या है गार्ड बैंड लगाते हैं किसके अंदर, गार्ड बैंड से क्या है कि इंटरफेस ना हो, उसमें इंटरफेरेंस ना हो, जिससे हम इसमें गार्ड बैंड से यूज करते हैं। आयाम सीमाओं पर उपयोग उन आयाम विभिन्नताओं से बचने के लिए किया जाता है जो शोर के कारण संचरण करते समय होती है, तो एम्पलीट्यूड लिमिटर आर यूज टू द अवॉइड एम्पलीट्यूड वेरिएशंस, तो इससे हमारा ये है कि इसमें हमारे सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं सही हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दे रखा है हमें, 100 MHz कैरियर फ्रिक्वेंसी, कैरियर इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाई 10 kHz वेव फॉर द फ्रिक्वेंसी डेविएशन ऑफ 50 kHz, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल, तो हमें क्या करना है, हमें देखो एफसी दे रखी है, क्या क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले तो वो देखना है, तो एफसी हमें दे रखी है, एफसी है हमारा 100 MHz मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी, उसके बाद हो गया मेरा मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, तो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है मुझे एफएम 10 Hz, कैरियर फ्रिक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होगी मेरी क्योंकि ये बेस हमारा जो एफएम में होता है वो तो बेस बैंड होता है और ये बैंड पास सिग्नल होता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है कैरियर फ्रिक्वेंसी, और जो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो हमारा क्या है वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, तो देखो दोनों में फ्रिक्वेंसीज में भी हमारा फर्क है, ये वो फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हमको वो करना होता है मॉड्यूलेशन, और किसके हेल्प से करते हैं हम कैरियर फ्रिक्वेंसी की से, तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन होता है डेलैप, तो इसमें हमें डेलैप भी दे रखा है, कितना दे रखा है 500 kHz। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल इज गिवन बाई, मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि इसको चाहे मैं एमएफ कहूँ या केएफ करूँ ये होगा क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही, और इसकी वैल्यू होती है डेल एफ अपॉन एफएम, डेल एफ क्या होता है मेरा फ्रिक्वेंसी डेविएशन, फ्रिक्वेंसी डेविएशन अपॉन एफएम, तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन क्या है मेरा डेल एफएम अपॉन एफएम, जब इनकी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं 500 × kHz को 10³ कर दिया, 10 kHz को 10 × 10³ कर दिया तो कितनी वैल्यू आ गई 50, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया बी, तो हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल दिया। ये कुछ फॉर्मूले हैं इनको नोट आउट कर लो क्योंकि ये फॉर्मूले आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चंस में आएंगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेल एफ अपॉन एफएम भी होता है, कई जगह इसको हम के एफ से भी डिनोट कर रहे हैं, कई जगह एम एफ से, कई जगह म्यू से, पर बात एक ही है, तो इसलिए कभी भी कन्फ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है 4 AFM सिग्नल VT इज इक्वल टू 25 cos 15 × 10⁻¹⁰ +10 sin 1550 t, कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन, देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वापस से वही आ गया मेरा KMF और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन हो गया मेरा डेल एफ, तो हमें ये कैलकुलेट करना है ये दोनों की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले क्या होना पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एफ एम, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ एफ एम, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है फिर कह रहा हूँ कि उसको बार बार देख लें, VT इज इक्वल टू A cos ωCT MF sin ωt, कई जगह पे ओमेगा सी की जगह 2 πfct लिख देते तो हम ओमेगा को 2 πfc लिखते ही हैं, ओमेगा एम की जगह 2 πfm लिख देते हैं, तो वो उससे भी हम डायरेक्टली यहाँ निकाल सकते हैं,
कंपेयरिंग विद गिवन, तो मॉडुलेशन इंडेक्स एम एफ की वैल्यू कहाँ से आ गई मेरी, ये एम एफ की वैल्यू होगी मेरी ये 10, ठीक है। तो एम एफ की वैल्यू मॉडुलेशन इंडेक्स मुझे मिल गया। उसके बाद बात करते हैं हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, देखो एम एफ होता है डेल एफ अपॉन एफ एम, जिनमें से जो डेल एफ होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन होता है। तो डेल एफ की वैल्यू क्या होगी, एम एफ इंटू एफ एम, तो एम एफ इंटू एफ एम कर दिया। एम एफ की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, 10 है। और एफ एम की वैल्यू क्या है, एफ एम की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, ये किसकी है, ओमेगा एम की वैल्यू है। तो 2 पाई एफ एम इज इक्वल टू, तो 2 पाई एफ एम इक्वल टू ओमेगा एम होता है। तो ओमेगा एम की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 1550। तो ये थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर ले रखा है इसलिए मोटा लिखना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें हमारे एफ एम की, तो एफ एम की वैल्यू हमारी हो जाएगी एफ एम इज इक्वल टू 1550 अपॉन ओमेगा एम कितना है, 1550, 1550 1550 अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया, यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट कर रखा है 1550 अपॉन 2 पाई, तो ये हमारा आ गया है 1550 अपॉन 2 पाई। ये हमारी एफ एम की वैल्यू आ गई, ये आ गई। उसके बाद हमने डेल एफ इज इक्वल टू एफ एम इंटू, इस एफ एम को डेल एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम एफ की वैल्यू आ गई। तो हमारी वैल्यू आ गई 2 पाई 65 एम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया सी। देखो सी कितना अच्छा है, इसमें अगर सिर्फ कोई डेल एम एफ से अगर कैलकुलेट करता तो वो ए ऑप्शन भी चूज कर सकता था। देखो 3 में 10 10 10 आ रहा है, डी में भी 10 आ, तो इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब पूरा सॉल्व कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 2465.9 हर्ट्स। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एफ एम इज डिसएडवांटेजेस ओवर ए एम सिग्नल बिकॉज, फिर से वही मेरा वीडियो देखोगे एफ एम और ए एम का कंपेरिजन, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। जो हमारा एफ एम है उसके डिसएडवांटेज बताने हैं ओवर ए एम, मच वाइडर चैनल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। तो देखो मच वाइडर चैनल बैंडविड्थ किस में जरूरत पड़ती है, एफ एम में पड़ती है, तो वो उसका डिसएडवांटेज नहीं है, वो तो उसका एडवांटेज है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं एफ एम सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टियर, बिल्कुल बात सही है, ये इसका डिसएडवांटेज है। जो एफ एम सिग्नल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है उसकी सर्किट और कॉस्टलियर भी होती है, मैंने मेरे पूरे वीडियो में बताई हुई है। एडजेसेंट चैनल आर इंटरफ्रेंस इज मोर, जो एडजेसेंट चैनल इंटरफ्रेंस उसमें हमारी क्या क्या है ज़्यादा, इसलिए हमको क्या है गार्ड बैंड्स क्या लगने पड़ रहे थे, यूज करने पड़ रहे थे। तो गार्ड बैंड्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट बिटवीन एडजेसेंट चैनल इन एफ एम्स, आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द इंटरफ्रेंस बिटवीन एडजेसेंट चैनल इन एफ एम सिग्नल। तो गार्ड बैंड ऑफ 25 किलोहर्ट्ज अलाउड टू अदर साइड्स ऑफ द चैनल, तो जिसके कारण हमारी टोटल बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 200 किलोहर्ट्ज। भैया 75 किलोहर्ट्ज इज मैक्सिमम परमिसेबल फ्रिक्वेंसी डेविएशन अलाउड फॉर कॉमर्शियल एफएम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्वेंसी कितनी है कॉमर्शियल एफएम के लिए, वो कितनी है, 75। सो द वाइडर चैनल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर एमएम ट्रांसमिशन, एफएम सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर कॉस्टलियर एएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अगर इसको हिंदी में देखते हैं हम, एफ एम संकेतों के आसन चैनल को भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए गार्ड बैंड प्रदान किए जाते हैं। 25 किलो हर्ट्ज के गार्ड बैंड को दोनों तरफ से अनुमति दी जाती है, मतलब दोनों तरफ हम गार्ड बैंड लगाते हैं, इसलिए चैनल की जो चौड़ाई है 2 × 75 + 25 हो जाती है, मतलब 200 किलो हर्ट्ज हो जाती है। जहाँ 75 किलो हर्ट्ज वाणिज्य एफ एम प्रसारण के लिए अनुमित अधिकतम स्वीकार आवर्ती विचलन है, तो एफ एम प्रसारण के लिए बहुत ही व्यापक चैनल चौड़ाई आवश्यक है। एफ एम सिस्टम अधिक जटिल है और इसलिए इसमें एफ एम ट्रांसमीटर और रिसीवर से महंगा है। अब बात करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ एफ एम वेव व्हेन द मैक्सिमम डेविएशन अलाउड इज 75 किलोहर्ट्ज एंड द मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 10 किलोहर्ट्ज। अगेन हमसे क्या पूछा गया है, बैंडविड्थ पूछी गई है, दे क्या रखा है हमें, एफ एम भी दे रखा है और डेल एफ भी दे रखा है। तो एफ एम कितना, 10 किलोहर्ट्ज दे रखा है, पहले लिख लेंगे मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो एफ एम की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 किलो हर्ट्स। डेल्टा एफ कितना दे रखा मुझे, 75। तो देखो ये मैक्सिमम डेविएशन फ्रिक्वेंसी डेल्टा एफ हो गया 75 और मॉडुलेटिंग सिग्नल मतलब एफ एम,
एम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी हमें दो दे रखी है और पूछा गया हमसे बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ क्या होती है? बैंड विड्थ होती है भाई कार्सन रूल्स, इसके बारे में हम एक दो वीडियो और डिस्कस करेंगे। वो होती है टू डेल एप इंटू एफ एम। क्या है? टू डेल एप इन प्लस एफ एम। तो टू डेल एप प्लस एफ एम दोनों की वैल्यू रख दो, 2 × 75 + 10 तो 170 kHz। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? ए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। वाइड बैंड एफ एम हैज द कैरेक्टरिस्टिक। जो वाइड बैंड एफ एम है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी क्या विशेषता है? फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ के एफ इज लार्ज, आवृत्ति संवेदना के एफ बड़ी है, बैंडविड्थ इज वाइड बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। तो देखो हमारा जो वाइड बैंड एफ एम है उसकी जो फ्रिक्वेंसी सेंसिटिव सही है कि लार्ज होती है, बैंडविड्थ भी वाइड होती है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। तो देखो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ द एफ एम सिग्नल डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी के एफ। वैन के एफ इज लार्ज बैंडविड्थ ऑफ एफ एम सिग्नल बिकम वाइड एंड दिस इज नॉन एज वाइड बैंड सिग्नल। इसका मतलब ये कह रहा है जो बैंडविड्थ है एफ एम सिग्नल की वो किस पर डिपेंड करती है? सेंसिटिविटी के एफ पे। के एफ मैंने पहले भी बताया था वहाँ पे, ठीक है? तो जो के एफ है जिसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, तो जो के एफ पे वो कर रही है ये डिपेंडेंट, वेयर के एफ इज लार्ज देन बैंडविड्थ ऑफ द एफ एम सिग्नल बिकम वाइड दिस इज नॉन एज वाइड बैंड सिग्नल। अगर के एफ लार्ज है तो बैंडविड्थ हो जाएगी एफ एम सिग्नल की वाइड हो जाएगी, इसलिए इसको हम वाइड बैंड सिग्नल कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड्स आर प्रोड्यूस इन एफ एम सिग्नल, और जो एफ एम सिग्नल में साइड बैंड्स खूब सारे होते हैं इसलिए हम एफ एम सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ एफ एम सिग्नल इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए एम सिग्नल। हिंदी में देख लेते हैं। एफ एम सिग्नल की बैंडविड्थ आवृत्ति संवेदनशीलता के एफ पर निर्भर करती है, जबकि के एफ बड़ा होता है तो एफ एम सिग्नल की बैंडविड्थ चौड़ी हो जाती है। इसे वाइड बैंड एफ एम सिग्नल के रूप में माना जाता है। एफ एम सिग्नल की बड़ी संख्या में साइड बैंड उत्पन्न होते हैं, ऐसे विस्तृत बैंड एफ एम सिग्नल की बैंडविड्थ एफ एम सिग्नल की तुलना में बहुत बड़ी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नैरो बैंड एफ एम हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जैसे हमने वाइड बैंड की पढ़ी थी, अब नैरो बैंड की पढ़ देते हैं। द कैप सेंसिटिविटी ऑफ कैप इज स्मॉल। उस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था द फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ कैप इज लार्ज थी, बट इसमें हमारी स्मॉल है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। बैंड विड्थ नैरो बिल्कुल सही है बोथ ए एंड बी। देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, बस उसमें दोनों चीज़ बदल दी। उसमें के एफ की वैल्यू लार्ज थी और बैंड विड्थ की वैल्यू भी लार्ज थी। इसमें बैंड विड्थ भी नैरो है और के एफ भी स्मॉल है, तो ये सही है। मेरी नैरो बैंड एफ एम की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जिसको संकीर्ण बैंड एफ एम की विशेषताएँ, नैरो बैंड को हम नैरो को बोलते हैं संकीर्ण, आवृत्ति संवेदनशीलता के एफ छोटा है। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, द बैंडविड्थ ऑफ एफ एम सिग्नल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था जो बैंडविड्थ है वो किस पर डिपेंड करती है? के एफ पे। अगर के एफ की वैल्यू स्मॉल है तो बैंडविड्थ ऑफ एफ एम भी आल्सो स्मॉल है, इसलिए इसको हम नैरो बैंड एफ एम कहते हैं। बैंडविड्थ ऑफ नैरो बैंड एफ एम इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ ए एम सिग्नल। जो इसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट ए एम के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कहता है हमें? हमें देखो क्या क्या दे रखा है। हमें 100 MHz कैरियर फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटेड, मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी मतलब एफसी दे रखी है, और मॉडुलेटेड बाई 5 kHz वेव, मतलब 5 किलो मॉडुलेटेड हो रही, तो मतलब मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी मुझे? 5 kHz। फॉर ए फ्रिक्वेंसी डेविएशन ऑफ 100 kHz, तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन हमें दे रखा है किलो हर्ट्ज, कैलकुलेट द कैरियर स्विंग ऑफ एफ एम सिग्नल। अब देखो हमें दे क्या रखा है, कैरियर फ्रिक्वेंसी एफसी, एफ सी दे दी हमें 100 MHz, एफ एम दे दिया 5 MHz जिससे हम मॉडुलेट कर रहे हैं, डेल एफ दे दिया फ्रिक्वेंसी डेविएशन दे, बट कैरियर स्विंग ऑफ एफ एम होता है हमारा 2 × डेल एफ। तो ये फॉर्मूला है, इनको याद रख लेना है कि जो कैरियर स्विंग होता है वो क्या होता है? 2 × डेल एफ। तो डेल एफ की 2 × 100 करोगे 200 kHz, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 1st मेरे एक जैसे ही है, अगर इनको गौर से देखोगे, बस फर्क क्या है, मैंने अंदर की वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी का बाहर की वैल्यू सेम है। जो हमारा ए सी है उसमें भी 20 था, इसमें भी 20 है, और जो रेजिस्टेंस उसमें भी 20 ओम था, इसमें भी 20 ओम है। तो हमें क्या है कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें पावर डिसिपेशन निकालनी है, सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो कर देना है हमको, वी टी इजकल टू ए सी कोस, इसको हम 2 π f m वो एफ सी टी ओमेगा सी टी है, तो ओमेगा को हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में ओमेगा को थोड़ी दूसरी फॉर्म में लिख दिया।
जानबूझ के मैंने लिखे हैं, जिससे कि आप क्वेश्चनों में डाउट नहीं हो, ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग गिवन, तो पावर डिसिपेशन हमारा वापस से हो जाएगा पी इजिकल टू बी स्क्वायर आर एम एस बाई आर, बी स्क्वायर आर एम एस बाई आर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 वोल्ट जैसा था उसमें सेम। तो आज हम ये सिर्फ 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, मैं और सारे वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर खूब सारे, तो हम उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो हैं थ्योरेटिकल वीडियो थे उनको देख लो, जिससे कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए थैंक यू, और आप अपने देखते रहिए।